नहीं हो पाया मेरा बहुत सारे इवेंट्स में जाना <laughs> और किस्मत देखी, देखी फिर मिल। और कुछ दिन बाद ही मैंने देखा कि सुनीता जी आ रही हैं और मैं ये भी बता दूं कि तब जब मैंने आपको बोला कि वेलकम टू तब, तब भी मुझे नहीं पता था कि मैं ही आपके साथ बात करूंगी इस शिषा में तो कहते हैं ना कि आप दिल से किसी चीज को चाहो तो वो हो जाती है तो वो कुछ ऐसा ही है तो एक बार जोरदार तालियों से आइए सुनीता जी का स्वागत करते हैं जिन्हें हमने बेहुत खूबसूर किरदारों में देखा है अलग अलग किरदारों में देखा है ब्रेक करते हुए देखा है और ये दिखाया है कि भाई अगर आप में कला और हुनर है तो आप कैसे अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं तो सुनीता जी जैसे कि सुनीता जी ने आपको बताया ये इतनी डाउन टू अर्थ है जैसे हम इनके फिल्मों में शोज में इनको देखते हैं ना गर्ल नेक्स्ट डोर कोई बगल वाली आंटी लगती है ना ये हमारे <laughs> <laughs> आंटी मत कहो <कहूं> ना <laughs> नहीं ये बिल्कुल हमारे पड़ोस में रहती है वो इतनी अपनी और ये वैसी ही है क्योंकि जैसे कि इन्होंने बताया एक साल से ऑलमोस्ट हम लोग टच में हैं कभी हेजिटेशन नहीं होता इन्हें मैसेज करने में इनसे बात करने में तो सुनीता जी आ, ये जो फिल्मों में आने की आपने सोची तभी तो आप एक्टिंग स्कूल में भी गए थे लेकिन क्या क्या सोच कर आपने एक्टिंग में आने की सोची थी क्या सच बात बताऊ मेरी और इनकी कहानी इतनी मिलती जुलती है कि मैंने भी एन सी सर्टिफिकेट किया है और मैं आर्मी में जाना चाहती थी मैं फिल्मों में नहीं आना चाहती थी uh, लेकिन मैं ना बस सिर्फ पास हो जाती थी मैं बहुत मीडियो का स्टूडेंट थी और मेरी साई मेरा मैथ्स बहुत बुरा था तो मुझे तो ऐसा लगता था शायद मैं कभी हाई स्कूल ही नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ मैथ्स कंपलसरी थी <laughs> लेकिन खैर वो मैंने तो पास कर ही लिया था फर्स्ट अटैम्प्ट में <laughs> और हाँ ये था कि मैं कल्चरली थोड़ा एक्टिव थी अपने स्कूल में और उसमें मेरे पेरेंट्स का ही योगदान है तो वो वजह से क्या हुआ कि जब तक मैंने एम किया मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी कि आ, मैं थिएटर करके या एक्टिंग करके अपनी जीविका करूँगी मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था मैंने टूरिज्म किया मुझे लगा मैं होटल मैनेजमेंट करूँ कुछ ऐसा काम करूँ बट मैं जो है लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मेरे फादर ट्रक ड्राइवर थे हाइडल डिपार्टमेंट में एंड माय मदर वाज अ हाउस वाइफ लेकिन वो दिमाग से बहुत 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 जो है एडुकेटेड थे उन्होंने हमें हमारे शहर के बेस्ट स्कूल में पढ़ाया और कभी हमें रोका नहीं उनको नहीं मालूम था थिएटर क्या होता है थिएटर वर्कशॉप क्या होती है लेकिन अगर हमारे को कोई बोलता था वहाँ थिएटर की वर्कशॉप चल रही है इसको भेज दो तो वो भेज देते थे तो शायद आज जो मैं यहाँ हूँ उन्हीं की वजह से क्या बात है जोरदार तारियां इस बात पर होनी चाहिए और हम में से बहुत सारी माए हैं यहाँ पर जिन्हें प्रेरणा मिलती है आपकी माँ से देखिए जैसे हम लोग इतना अभी मेल फीमेल को लेके बात कर रहे हैं हम इतनी आ, औरत की शक्ति को लेके बात कर रहे हैं ना उसकी मल्टीटास्किंग होने की बात कर रहे हैं एक औरत को नेचर ने ही स्ट्रोंग बनाया है इसीलिए प्रकृति ने चुना है उसे एक बच्चे को जन्म देने के लिए पुरुष बहुत स्ट्रोंग है पर पुरुष बच्चा नहीं पैदा कर सकता वो ताकत और वो सौभाग्य ईश्वर ने सिर्फ एक माँ को दिया एक औरत को दिया है तो वहीं से ये बात साबित हो जाती है कि हम किसी भी लिहाज से उनसे कम नहीं है और दूसरा मुझे ऐसा लगता है शायद पता नहीं कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हो मुझे लगता है हम लोग सिक्के के दो पहलू हैं देर इज नो कॉम्पिटिशन किसी चीज की कि एक दूसरे को साबित करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है पुरुष महिला दोनों ही प्रकृति ने दोनों को एक सिक्के का दो पहलू बनाया है तो दोनों को साथ मिलकर ही चलना है तभी जो है सामंजस्य बिल्कुल गाड़ी के पहियों की तरह बिल्कुल।, बिल्कुल जाएगा तो गाड़ी बिल्कुल नहीं चल पाएगी जो औरतें घर चलाती है पूरा घर संभालना जिसमें इंक्लूडेड रहता है रिश्तेदारी पड़ोस <laughs> वो आदमी नहीं कर सकता आदमी को ये भी नहीं पता होता है कभी कभी कि उसके बच्चे का एग्जाम कब है किस मौसी के लड़के की शादी होने वाली है और किस चाचा के लड़के का जन्म होने वाला है या किसका बेटा या बेटी बीमार है ये सिर्फ माँ संभालती है तो जिस तरह आदमी बाहर संभालता है ना दुनिया कॉपरेट की लाइफ उसी तरह माँ पूरा जो घर का हिस्सा है ना वो संभालती है और ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि यहाँ आपको सबको साथ लेके चलना है क्योंकि आप किसी को नाराज नहीं कर सकते हो ऑफिस से आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं आपका बॉस ट्रांसफर हो जाता है आपके कलीग्स चेंज हो जाते हैं लेकिन रिश्तेदार हमारे ताउम्र रहते हैं क्या बात है। साथ लेके चलना बहुत बड़ा काम है जो औरतें बखूबी करती है चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ बिल्कुल बहुत बड़ी बात करी रिश्तेदारों पर हमने अक्सर मीन्स ही सुने थे वरना लेकिन आज जो आपने बात कही है है कि नहीं रिश्तेदारों को हम मीम्स यूज करते हैं लेकिन बहुत गहरी और सही बात है कि वही रिश्तेदार हमारे जीवन भर के एक्चुअली फ्रेंड्स कह लीजिए साथी कह लीजिए वो होते वो बदल नहीं सकते चाहे अनचाहे जो भी हो जाए <laughs> है ना बिल्कुल शहर बदल जाता है ऑफिस बदल जाता है काम बदल जाता है जो हमारे रिश्ते हैं वो कभी नहीं बदल सकते उनको साथ लेके चलना जो वो करती है औरत तो उससे बड़ा तो कुछ और काम ही नहीं है बिल्कुल सही बात है सुनीता जी तो आ, आगे हम सुनना चाहेंगे वो कहानी कि आपको थिएटर वगैरह पर फिर आप जाने लगे फिर ये बॉलीवुड में आना और ये सब कैसे शुरुआत हुई एक्चुअली जब मैं एमए करने नैनीताल गई थी मैं तो बहुत छोटे से कस्बे से हूँ हल्द्वानी जिसका पहले नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना था क्योंकि वो लास्ट रेलवे स्टेशन है तो कुछ लोग जानते थे वहाँ पर इस तरह का कल्चरल का कोई माहौल नहीं था तो मैं एम ए करने नैनीताल गई और नैनीताल में कल्चरल एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है वहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में जबकि दो सड़कें हैं ठंडी सड़क और नॉर्मल सड़क तो जो नीचे वाली सड़क पे सड़क होती थी नैनीताल में वहाँ पर सिर्फ इंडियंस चलते थे जो ऊपर की सड़क होती थी वहाँ अंग्रेज़ चलते थे वहाँ पर अंग्रेज़ी थिएटर होता था तो वहाँ पर जो है एक ग्रुप है मंच जिसके कार्यकर्ता और करता धरता मतलब वहाँ के स्तंभ जो है ज़ूर आलम जी हैं तो उन लोगों ने नाटक करना शुरू किया और जब मैं वहाँ गई और मैंने कॉलेज के फंक्शन में क्योंकि मैं घर जब अपने शहर में थी ना तो हर जगह शादी मोहल्ले में नामकरण में ढोलक में नाच करने जाती थी नहीं? तो जब हमारे कॉलेज में फंक्शन हुआ एनुअल फंक्शन होता है उसमें भी मैंने परफॉर्म किया तो लेट निर्मल पांडे एक आर्टिस्ट रहे हैं बहुत पुराने तो उन वो एक फेलोशिप प्ले कर रहे थे एन के लिए उनको फीमेल आर्टिस्ट चाहिए थी और उनके पास थी नहीं इतनी नहीं बहुत बड़ी कास्ट थी तो उन्होंने कॉलेज में लड़कों को बोला था एनुअल फंक्शन में लड़कियों से बात करना जो थिएटर करना चाहती है वो आए मेरे पास तो हमारे लिए रास्ता खुल गया और हम लोग जो है उनके पास गए उनसे मिले फिर हमारा हॉस्टल था हम लोग हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल छः बजे बंद होता था और नैनीताल में जो भी थिएटर करते थे मोस्टली आज भी वो वर्किंग मैन वुमेन है तो उनका ऑफिस बंद होने के बाद छः बजे के बाद रिहर्सल होती थी तो हम लोग अगले बहुत मुश्किल थी yeah. हमारी वार्डन नहीं मानती थी तो फिर हमारे थिएटर वालों ने या तो हमें कभी अपने घर में रखा या हमको एक छोटा सा रूम किराए पे लेके दिया पंद्रह बीस दिन के लिए और हम लोग वहाँ रहते थे थिएटर करते थे तो वो जो एक रोमांच होता है ना अपने आप अपने कपड़े बनाना अपने आप सेट बनाना कील ठोकना सड़क क्रॉस करके सबके लिए चाय लाना उस वो जो कांच के छोटे छोटे गिलास होते हैं सारा काम करना खुद झाड़ू लगाना वो सब बहुत अच्छा लगा और पहली बार उसी प्ले के जरिए मैं दिल्ली गई फिर दिल्ली में एन का माहौल देखा और मुझे क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था मुझे पूरा प्ले याद हो गया था क्योंकि मेरा रोल बहुत छोटा था <laughs> तो जो भी कभी कैरेक्टर रिहर्सल में नहीं आ पाता था तो उसकी प्रॉक्सी मैं करती थी मुझे उसकी एंट्री एग्जिट मुझे उसके एक्शन डायलॉग सब याद थे तो मेरा इंटरेस्ट देख के निर्मल जी ने बोला कि तुझे एन करना चाहिए और मेरे लिए उस समय तक एन कुछ होता है ये भी नहीं पता था तो अगर मैंने एन किया है तो मेरे वो थिएटर ग्रुप युगमंच की वजह से किया है और फिर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ क्योंकि जब आप छोटे से शहर से होते हो ना आपकी मानसिकता बहुत अलग होती है बहुत सारी बातें जो आर्टिस्टिकली हो हो रही थी वहां एन में इंटरव्यू के समय या टेस्ट के समय हम बहुत सारी बातें नहीं समझ पाई थी मैं मेरा फर्स्ट अटम्प में एन में नहीं हुआ था लेकिन मेरी मम्मी सोचिए आप उन्होंने ना वो हमारे छोटे शहरों में होता है ना कोई मन्नत मांगते हैं ग्यारह रुपए रख देते हैं मंदिर में मेरे बच्चा पास हो जाए मेरा बच्चा ठीक हो जाए मेरी माँ ने बोला मेरी बेटी का अगले साल हो जाए एनएसडी में भगवान ग्यारह रुपए रखते थे उन्होंने और शायद थोड़ी मैंने भी मेहनत करी थी और मैं समझ गई थी जो क्या होता है वो वहाँ पे टेस्ट के समय पेंटिंग दिखाते हैं आपको आपको पेंटिंग दिखा के बोलते हैं इसको इनेक्ट करो तो ये बात समझने में ही थोड़ा टाइम लग है कि ये मतलब क्या है पेंटिंग को कैसे इनेक्ट करें तो वो धीरे धीरे एक साल में थिएटर करते करते चीजें समझ में आई और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा सलेक्शन हो गया क्या बात तो ये बात भी जरूर है कि हमें जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ लोग मिलते हैं जिन्हें किसी ने भेजा होता है हमारी डेस्टिनी को एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए एंड मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगी कि आप उन सारे लोगों को याद रखिए उनके लिए आपकी कृतज्ञता है ये हमें बताती है कि कितनी अच्छी इंसान आप हैं है ना क्योंकि हर इंसान वरना खुद के मत में हो जाता है कि मैं आज ये हूं, लेकिन आज भी अगर सुनीता जी उन लोगों को इतने साल पहले की चीजों को धन्यवाद दे रही है तो ये आपका बड़कपन एक बार जोरदार तालियां इस बात पर होनी चाहिए सुनीता जी के लिए अच्छा अब एक्टिंग में तो आ गए तो एक बड़ा स्टीरियो है हमारे यहाँ पर हीरोइनों का काफी हद तक शोपीस जैसे भी बहुत आप बहुत अलग है आप बहुत अलग है तो मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि सुनीता जी का रोल मॉडल कौन रहा होगा क्योंकि आपने जैसा तो मैंने किसी को देखा ही नहीं है <laughs> आप बहुतों कि रोल मॉडल बिल्कुल है आपका रोल मॉडल कौन रहा एक्चुअली लाइफ ने ये एक चीज़ सिखाई है देखिए मैं आज एक्टिंग करती हूँ लोग पहचान रहे हैं लेकिन मैं कहाँ से आई हूँ मैंने तो एक आदमी जो एक ट्रक ड्राइवर था उसको देखा है अपने बच्चों को पालते हुए मेरे लिए आज कोई भी इंसान उसके स्टेटस से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मैं जो ये कर रही हूँ ये मेरी जीविका है ये मैं अपने लिए कर रही हूँ मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ तो जब मैं ये अपने लिए कर रही हूँ और दूसरी बात ये है कि मैं अकेले कुछ नहीं हूँ अगर मुझे ऑडियंस का प्यार नहीं मिलता मान लिया ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती तो मैं फिर कुछ नहीं रहती ना मैं चाहे कितनी मेहनत कर लूँ तो मैं अकेले तो कुछ हूँ ही नहीं मैं आप लोगों से ऑडियंस के प्यार से और जो लोग मुझे काम दे रहे हैं मुझ पर विश्वास करके तो मैं जो हूं सुनीता आप देख रहे हैं वो तो उन सब से मिलकर एक ढांचा बना है तो ये मैं अकेले का गुरूर लेकर क्या कर रहा <laughs> तो जब आप एक्टिंग में आए जी अब आप एक्टिंग में तो आ गए कि भाई कहीं जाकर आपको समझ में आ गया कि अब यही मेरा करियर है यही मुझे करना है तब आपने भी सोचा था क्या कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ नहीं मैं ना मेरी कहानी अलग ही है मैं अपने घर में सबसे बेकार हूँ पढ़ाई में तो मैं मतलब खाली पास हो ही जाती थी आ, लेकिन मेरी दीदी बहुत खूबसूरत मेरा भाई सुंदर मेरी माँ बहुत सुंदर तो मुझे थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स था मुझे सब कहते थे चाइना से आई है क्या कोरिया से आई है क्या ऐसा बोलते थे मतलब मजाक में मेरे घर वाले भी बोलते थे मेरे को स्कूल में हर कॉलेज में स्कूल में मेरे म्यूज़िक के टीचर जब मैं सेवेंथ एर्थ में थी तो मुझे चीनी गुड़िया बोलते थे बिकॉज आई वॉज वेरी चिंकी जो मैं अभी भी हूँ थोड़ा <laughs> और मुझे बहुत ऐसा रहता था तो आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट मैंने एन कर लिया था और एक क्या होता है जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा होता है ना अगर वो सेंसिटिव है तो उसका कॉन्फिडेंस हमेशा लो ही रहता है वो कभी ऐसे हो ही नहीं पाता है या तो फिर वो दिमाग ख़राब वाला होता है कि आप दूसरे से जेलेस हो जाते हो या फिर आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो अदरवाइज आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते क्योंकि आपने वो नीचे स्तर की जो लाइफ देखी होती है ना तो उस वजह से मैं कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं थी और मैं सच बात बताऊं तो जब मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी जब मैं आई थी अब तो मुझे 24 साल हो गए बॉम्बे में जब मैं आई थी तो उन दिनों वीडियो एल्बम्स शुरू हुए थे बड़े सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां वीडियो एल्बम करते थे और उन दिनों कमर्शियल था सारा कुछ इवन जो क्रीम है या एडवर्टीजमेंट है कमर्शियल है उसमें भी सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को लिया जाता था मुझे कभी कभी कोई कॉल करता था तो मैं उनसे पूछती थी फोटो देखी है आपने मेरी <laughs> तो मेरा ये मामला था मेरा उल्टा मामला था <laughs> और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अपनी एक जो आपकी लिमिटेशंस है वो आपको पता होना चाहिए तब आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे आप दूसरे से जैलेस नहीं होंगे और जब आप अपने आप में कंटेंट है ना आप अपने आप में खुश हैं अपने लिमिटेशंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है आपके आपसे जो दूसरा इंसान मिलता है ना उसे आपसे कभी भी कोई भी नेगेटिव वाइब नहीं मिलती है और इस वजह से आपके दोस्त और आपको प्यार करने वाले बहुत होते हैं मैं इस चीज की बहुत धनी हूँ मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं इतने कमाल के दोस्त हैं मेरे जीवन में मैं जो भी प्रोजेक्ट करती हूँ हर प्रोजेक्ट से मेरे दो तीन दोस्त होते हैं जो मेरे फिर बढ़ते जा रही है तो मैं वो तादादी लड़की हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती थी कि आह मैं हीरोइन बन गई अच्छा अब मैं ये सोचती हूँ चलो अभी समय बदल गया अच्छा काम मिल रहा है पता नहीं ये भी समय कितने दिन तक चलेगा क्योंकि पहले हर चीज बहुत कमर्शलाइज्ड होती थी जो सीरियल बनते थे जो फिल्में बनती थी उनका लुक ही अलग होता था फैंटेसी होती थी बहुत ज्यादा होती थी और एक चीज़ और है देखिए चाहे कुछ भी कह लीजिए हम आज भी जब शूटिंग के लिए जाते हैं लोग बोलते हैं कि हमें आजकल गुल्लक अच्छा लग रहा है पंचायत अच्छा लग रहा है जो भी नेचुरल मसान पिक्चर अच्छी लग रही है और ही पिक्चर अच्छी लग रही है लेकिन जब हम कहीं भी शूट करने जाते हैं चाहे वो रोहतक का गाँव क्यों ना हो लोग ये पूछते हीरो कौन है हीरोइन कौन है और वो सीधे-साधे चेहरे देख के बोलते हैं अच्छा ये है हर किसी को वहाँ पे एक हीरो चाहिए हीरो हीरोइन मतलब सिर्फ खूबसूरत और अच्छा दिखने वाला जब कोई रिश्तेदार या पड़ोस की लड़की बहुत सुंदर लगती है तो लोग क्या बोलते हैं आप तो हीरोइन लग रही हैं तो ये हमारी मानसिकता ही वैसी है कि हम हमने एक इमेज बना रखी है हम किरदार नहीं देखते हैं हम सिर्फ खूबसूरती देखते हैं और वो हमने ठप्पा लगा रखा है दिमाग में हम सब ने मैंने भी आपने ही नहीं मैंने भी कि हीरो कौन है हीरोइन कौन है अच्छा अगर मुझे कल कोई बोलेगा शाहरुख खान की एक फिल्म है उसमें उसकी ये शाहरुख खान की फिल्म मिली है यार चलो वैसे कम भी होंगे तो चलेगा हाँ। किसी ने बोलेगा कि ये लड़का है बहुत अच्छा एक्टर है दूसरी फिल्म में इसकी है अच्छा इसकी है पैसा कितना है कौन आएगा ये देखने हम भी यही सोचते हैं इस वजह से मुझे मेरे प्रोफेशन में फ्रस्ट्रेशन नहीं है क्योंकि अगर मुझे ज्यादा काम नहीं मिलता तो मैं सोचती हूँ काम देंगे कौन कैसे मुझे देखने कौन आएगा <laughs> कितनी प्यारी बातें करती है ये है कि भी एक बार ज़ोरदार तालियां <laughs> में से हर किसी को भगवान ने बहुत खास बनाया है हम में से हर कोई यूनिक है ये भाषण ना मैं भी दूसरों को बहुत देती हूँ <laughs> 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 नहीं मैं दिल से बोल दिल से बोल रही हूँ सबसे बड़ी बात जो आगे मैं बोलने वाली हूँ अपने आप को स्वीकार कम लोग कर पाते हैं किसी न किसी के जैसा बनना चाहते हैं ये स्वीकार करना बड़ी बात होती है कि मैं जो हूं वो मैं हूं और इसलिए मैं कहती हूँ कि आप बहुतों की रोल मॉडल जरूर है तो बहुत जरूरत है इस लिहाज से आप जरूर हमारे लिए जोरदार तालियां एक बार थैंक अच्छा ये एक ऐसा प्रोफेशन है मेरा भी जो प्रोफेशन है जो मीडिया से जुड़ा है ग्लैमर से जुड़ा है आपका जो प्रोफेशन है आज भी परिवारों में लड़कियों से बोलते हैं अच्छा नहीं है तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में देखिए मुझे ऐसा लगता है माहौल की अगर बात करें तो माहौल जैसा घर में होता है ना चार पुरुषों के बीच में माहौल वैसा ही रहता है बाहर भी बाहर हम बातें दबा दे अंदर हम बातें दबा देते हैं मोहल्ले की बातें दबा देते हैं और बाहर हम बोल देते हैं और अब हम बोलने लगे हैं और मैं चाहती हूँ जैसा अब हम बाहर के लिए बोलने लगे हम औरतों को घर के लिए भी बोलना पड़ेगा <laughs> मैं आपको बता रही मेरे साथ हुआ है और मुझे नहीं पता किसी को बोलने की जरूरत नहीं है मैंने इतनी जगह काम किया है और जब हम लड़कियां बात करते हैं पांच में से हर तीन लड़कियां बोलती है मेरे साथ भी हुआ है तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपने घर की बात दबा देते हैं और वही चक्कर है कि वो जो लड़के होते हैं वो बाहर जाकर भी गलत करते हैं और वो ही लड़कियां होती हैं जो बाहर गलत होने पर भी चुप रहती हैं हम दूसरे का पेट क्यों करते हैं मेरी लड़ाई कोई और लड़ेगा जब घर में अगर किसी के भी किसी भी रिलेटिव ने गलत छुआ और वो उसे बाहर तपाक से बोलेगा तो वो आदमी डरेगा बाहर भी गलत कुछ करने से और वो औरत में हिम्मत रहेगी बाहर भी आवाज उठाने में हम हमेशा दूसरे की तरफ देखते हैं और हमने खुद को कमजोर बनाया है किसी ने हमको इंजेक्शन थोड़ी लगाया कमजोरी का हम ही में से उनकी जैसी औरत निकलती है ना और हम ही में से मेरी जैसी अंडर कॉन्फिडेंट भी निकलती है मेरा मतलब है कि हम ही में कमजोरी होती है हम लोग सिर्फ हमेशा ये सोचते रहते हैं मेरे लिए कौन लड़ाई लड़ेगा हम ये वो सही कह रही थी पहचानो अपने आप शिव शक्ति हम तो दोनों हैं हम दोनों हैं और इनफेक्ट आपको अगर मैं एक बात बताऊं तो स्त्रियां पुरुष पुरुषों से ज्यादा स्ट्रांग घर में अगर कोई अनहोनी हो जिस तरह से स्त्रियां उस स्थिति को संभालती हैं पुरुष उस तरह से नहीं संभाल पाते घर में अगर शादी ब्याह हो जिस तरह से औरतें सब कुछ संभालती हैं पुरुष उस तरह से नहीं संभाल सकते लेकिन ये हम औरतों ने ही अपने आप को कमजोर कर लिया है अरे हम लोग पीरियड्स में काम करने जाते हैं वो पीरियड्स में ही अपनी फील्ड में जाती होंगी मैं एनसीसी में थी वो इतनी टाइट ये अभी लड़कियां बैठी हैं वो ड्रेस पीरियड्स में पहन के धूप में मार्च करना एन न्स, सी करो ना कोई आपको रियायत नहीं होती है बारह बजे धूप में भी आपको जो है परेड करनी है उसी ड्रेस में पेट के ऊपर टाइट बेल्ट बांध कर तो जब हम इतना आप जब एक बर्थ देते हैं किसी बच्चे को इतना तकलीफ होती है जब हम वो सहन कर सकते हैं उतना हमें ताकत है तो फिर हम छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों दूसरे का मुंह देखते हैं लड़ाई नहीं करनी है होड़ नहीं करना है लेकिन कम भी नहीं समझना है क्या बात <laughs> है एक लाइन जिसे बिल्कुल समझना होगा अच्छा जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि अभी ज्यादा आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं क्या इसका कारण ओ मानती हैं आप हाँ इसका कारण ओटीटी भी है और इसका कारण ये भी है कि अभी थोड़ा जो ऑडियंस है ऑडियंस भी आ, रियल चीज़ें देखना चाहती है mm. अभी वो समझ गई है कि कहानी है तो उन्हें भी मालूम है चाहे वो ओ हो या सीरियल हो या फिल्म हो लेकिन अभी वो भी रियलिटी से जुड़ के चीज़ें देखना चाहती है चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो कोई सीरियस फिल्म हो या वो पेट्रियाटिक फिल्म हो उनको रियलिटी चाहिए आज अगर आप उन्हें मतलब मैं किसी फिल्म का नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मैं खुद उस इंडस्ट्री से हूँ Uh, कोई आठ दस साल पुरानी uh, आर्मी की फिल्म देखेंगे आज कोई नहीं जाएगा फिल्म देखने आज लोग पूरी देखने जाएंगे या एक अभी एक अभी बस्तर फिल्म आई है लोग हाँ। वो देखने जाएंगे क्योंकि लोग समझ गए एंटरटेनमेंट तो ठीक है लेकिन मुझे सच्चाई भी चाहिए आज लोगों की वजह से जो है ये बदलाव आया है रिलेट कर सकते हैं हैं रिलेट हाँ। कर सकते हाँ, हाँ। क्योंकि एक्टर और जो हमारी इंडस्ट्री है देखिए हमारी इंडस्ट्री में फिल्में बनती हैं एंटरटेनमेंट के लिए हमारी जीविका है लेकिन ये बिजनेस ही है है ना तो जो ऑडियंस पसंद करेगी जो कस्टमर की डिमांड होगी वो प्रोडक्ट बनाया जाएगा अच्छा सुनीता जी आ, आपने कई सारी फिल्में भी करी टीवी भी करा ओटीटी भी करा कैसे सिलेक्ट करती है चीजें क्या आपने कुछ प्रोजेक्ट अरे बात थोड़ी है मेरी सिलेक्ट करने <laughs> ये भी ना क्या, हाँ? इतनी, इतनी क्या बताऊं आपसे नहीं ऐसा आप <laughs> जब थोड़ा आर्टिस्ट फेमस हो जाता है उसका काम इंडस्ट्री वाले तो पहले से देखते ही है क्योंकि एडिटिंग टेबल पे जाता है शूटिंग के समय जाता है लेकिन जब ऑडियंस की रिएक्शन से कोई सीरीज uh, या कोई सीरियल या कोई फिल्म फेमस हो जाती है और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट लोगों को पसंद आ रहा है ये पता चलने लगता है तो उस तरह के जब रोल बनते हैं या लिखे जाते हैं तो फिर वो लोग उस तरह के एक्टर्स को uh, जो है बुलाते हैं उन, उनके संग कनेक्ट करते हैं जो कि कास्टिंग डायरेक्टर्स आजकल करते हैं तो बस वो लोग बुलाते हैं अगर डेट फ्री होती है या कभी कभी हाँ ये इतना मेरा अभी एक स्टैंड आ गया है लाइफ में कि अगर मुझे लगता है नहीं ये तो बिल्कुल ही कोई चीज है जो नहीं करनी चाहिए या बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो रहा है तो मैं हाँ मना कर देती हूँ पर अगर काम नहीं है पैसा चाहिए तो मैं कर देती हूँ हाउ ऑन दिस वेरी नाइस वेरी नाइस एक्चुअली अच्छा आपने आप ऐसे बता रहे हो लेकिन इन्होंने बड़े बड़े कमर्शल्स करे अमिताभ बच्चन जी के साथ भी रणवीर कपूर के साथ भी कितना फर्क लगता है जब किसी नए स्टार के साथ करते हैं और इनके साथ काम करते हैं देखिए मैं बताऊँ ये जो इन लोगों अमिताभ बच्चन जी हाँ वो तो कहते हैं उनके लिए तो क्या बोलें पर अदरवाइज एक डर तो जैसे रहता है जैसे कि आए कि कोई टीचर जब अपना स्कूल चेंज करके दूसरे स्कूल में जाती है तो वो एक जो हल्की सी हीचक रहती है कि नया स्टाफ कैसा होगा या आप अगर अपना एफएम एम छोड़ के दूसरे शहर में जाएंगे आपको लगेगा पता नहीं वो मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे है ना और जो सीनियर्स हैं प्रिंसिपल है भाई ये स्कूल की कैसी होगी एक वो तो रहता है हल्का सा लेकिन मोस्टली सभी बड़े मोडेस्ट रहते हैं और ये सब जानते हैं कि जब काम करेंगे तो अगर बहुत ज़्यादा कोई अपना भाव रखेगा सामने वाला नहीं कर पाएगा एक तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा ठीक है उसको भी खड़ा ही रहना पड़ेगा और दूसरा यह है कि वो कोई भी फ्रेम है वो तभी अच्छा लगेगा जब वो रियल लगेगा तो वो रियल लगाने के लिए आजकल सब आपको जो है बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं जिस समय हम सीन करते हैं हम जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूं ऐसी बात करते हैं लेकिन सीन खत्म होते ही <laughs> दूसरा क्या होता है उनका स्टाफ इतना जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना उनका स्टाफ इतना होता है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या माहौल बना देते हैं हाँ चाय से ज्यादा हाँ। वो ही और <laughs> वो फिर अपनी वहन में चले जाते हैं क्योंकि ये बात भी मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा शायद परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि फिर हर कोई बात करना चाहता है हर कोई अब और आप हर समय हर किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते

ये एक्टर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सामने वाला उसे प्यार करे उसे पसंद करे तभी वो उसकी फिल्में देखेगा है ना वो तो क्योंकि तो वो करना पड़ता है लेकिन ये है कि जो बहुत बड़े होते हैं तो वो अपना उनका एक जो है अलग माहौल रहता है और हम लोगों का अपना माहौल रहता है लेकिन काम करते समय वो कोई तकलीफ नहीं होती है इन, इस, इस बीच में इन्होंने एक लाइन कही थी अगर आपने नोटिस करा हो तो कि आजकल आजकल कंफर्टेबल कर देते मतलब ये पहले शायद पहले नहीं होता था क्योंकि मैंने भी बहुत सुना है ऐसा कि और देखो ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कुछ लोग होते हैं जो होते हैं सरल कुछ लोग होते हैं जो नहीं होते हैं जब आप अगर अपने रिश्तेदारों के बारे में भी सोचो कोई कोई चाची या मामा या मौसा पर टेढ़ा होता है फूफा वही गए तो ये जैसे हर जगह पर मैं हर चीज़ को इसलिए फैमिली से रिलेट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है इंसान की जो फितरत है वो हर जगह एक जैसी है हम उसको ऐसा अलग अलग कर देते हैं स्कूल में आप देखिए आपकी सारी टीचर्स के साथ नहीं पटेगी आप बैंक में काम करिए या मैम की फील्ड है या हम यहाँ पर भी अभी हम इतने बैठे हैं हर एक की अलग पर्सनैलिटी अलग रीजनिंग अलग थिंकिंग होती है ना तो उसी तरह से जो हम इंडस्ट्री में हैं उसमें भी कुछ लोग हैं जो बहुत सरल हैं कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा अलूफ रहते हैं तो मैं तो सबको इस तरह से एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो मुझे सब ठीक ही लगता है क्या बात है <laughs> तो ऐसे लग रहा है इनको बस सुनते ही जाए सुनते ही जाए सुनीता जी एक और बड़ा सवाल होता है जी जैसे लड़कियां यहाँ बहुत सारी कॉलेज की भी लड़कियां हैं रोज मन में ख्याल बदलते होंगे आज लगता होगा एक्ट्रेस बन जाऊं कल लगेगा आरजे बन जाऊं फिर लगेगा यार डिफेंस में चली जाती हूँ जिसको सुन लिया थोड़ा उससे इंस्पायर हो जाते हैं ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं तो इन सब के लिए जानना चाहूंगी कैसे चुना जाए कि क्या मेरे लिए है देखिए उन्होंने बोला था अपने मन की सुनो वो बहुत जरूरी है उसके ऊपर मैं ये चीज ऐड करूंगी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखो सिर्फ अपने पैशन के लिए जीना बहुत जो है ना सेल्फिश जीना हो जाए जो पेरेंट्स होते हैं जो यहाँ पे सारे पेरेंट्स बैठे होंगे उन्हें मालूम है वो अपने बच्चों के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं सिर्फ रातों की नींद नहीं होती है वो अपने बहुत सारे ख्वाब अपने बच्चों के लिए जो है सेक्रीफाइस करते हैं और उनका अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं है बिल्कुल ठीक है तो आप अपने पैशन को भी जिंदा रखिए और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कीजिए लाइफ तभी खूबसूरत होगी देने वाला जो है ना वो ज़्यादा खूबसूरती रखता है देखिए मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको भी एक्टिंग करनी है हमें एक्टिंग करना अच्छा लगता है अभी एक्टिंग करना अच्छा लगने के लिए आप कहीं पर भी एक्टिंग कर सकते हो आपको ग्लैमर वर्ल्ड में जाना है वो चीज़ अलग है सिंगर होते हैं म्यूजिशियन होते हैं है, मैम पेंटिंग करती है कोई प्लांट्स के संग रहता है तो वो टाइम निकालते हैं ना उसके लिए उसके लिए वो ये नहीं करते हैं कि बस यही करेंगे बाकी परिवार भाड़ में गया ऐसा नहीं करते हैं आप दोनों चीज़ को वैल्यू कीजिए अकेले अकेले चल के नहीं होता है और हमारी जो फील्ड है हमारे क्या मुझे लगता है शायद हम जो भी काम करते हैं वो हमारे नसीब में भी होता है मेहनत तो सब लोग करते हैं शायद मेरे से ज़्यादा मेहनत तो और मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई बिट्टू की मम्मी करता पर वो रोल मुझे मिला क्योंकि मेरे नसीब में ये सब लिखा था ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने कुछ किया जो कोई और कर ही नहीं सकती है वो मेरा नसीब था तो शायद वो मुझे मिला है इससे पहले क्यों नहीं मिला मुझे मैं तो उतनी मेहनत करती थी नब तब, तब नहीं मिला वो तो कुछ कुछ चीज़ें हमारे नसीब में होती हैं मैं आर्मी में जाना चाहती थी वो मेरे नसीब में नहीं था मैंने कोशिश करी मेरी एक फ्रेंड थी उसके फादर आर्मी में थे मैंने उनसे पूछा कैसे जाऊँ क्या करूँ ट्राई भी किया फिर मैंने टूरिज्म किया था मुझे क्योंकि इस एक्टिंग में जाऊँगी तो सोचा ही नहीं था क्योंकि ना मुझे अपने चेहरे पर ना अपने पर कॉन्फिडेंस था

एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं पास कर पाते हैं बेचारे फिर दुकान खोल लेते हैं या टीचिंग करते हैं तो पैशन को जिंदा रखिए म्यूजिशियन होते हैं सिंगर होते हैं वो पेंटिंग कर रहे हैं। गाने वाले लोग शादियों में गाते हैं बर्थडे पार्टी होती है फैमिली गैदरिंग होती है एक माइक लेके गाते हैं आपको एक्टिंग अच्छी लगती है ना अगर आप कह रहे हो सिर्फ एक्टिंग में आपका शौक है आप सोलो परफॉर्मेंस तैयार कीजिए ना दिखाइए आप लोगों को आप अपने अपना एक ग्रुप बनाइए अपने मोहल्ले में बनाइए अपने शहर में बनाइए आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में किसी ने सोचा होगा ना लिट चौक के बारे में सही बात ये उन औरतों की जो मेहनत है जिन्होंने सोचा होगा हम सिर्फ अपने नॉर्मल जो रोजमर्रा का काम है उससे अलग चल के कुछ करें ये तब हुआ है ना इसमें भी कितना सेटिस्फेक्शन है ना कुछ अलग किया इतना अच्छा किया जहाँ आज हम इतने अलग अलग जगह से आके बातें कर रहे हैं इतने अलग अलग लोगों को मिल रहे हैं और हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो इसके लिए मैं ये कहूँगी अगर आपको एक्टिंग अच्छी लगती है आपका मन है आप उसके लिए ट्राई कीजिए कोशिश करिए उसके लिए अपने को तैयार करिए लेकिन साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी ध्यान रखिए और अपनी लाइफ का भी उसको लेके पागल हो जाना उसको लेके बावरा हो जाना कितने सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं वो सब बहुत गलत है वो उतना दीवानगी करके कोई फायदा नहीं है लोग कर, कर, पाँच पाँच साल बॉम्बे में रह कर सिर्फ बड़ा पाव खाकर पांच पांच लोग एक कमरे में रह के उल्टे सीधे लोगों से मिलकर इधर से बच के बुझके फिर दिमागी उनका संतुलन ख़राब हो जाता है घर वाले भी परेशान उनकी भी जिंदगी की ऐसी तैसी फिर कुछ लोग निराश होकर वापस चले जा रहे हैं इससे तो बेटर है कि कुछ भी करो अच्छी जिंदगी जियोगे ना तो सारे रास्ते अपने आप खुलेंगे और नसीब में होगा तो लोग झुमरी पलाइया से खींच के ले जाएंगे क्या बात है और मुझे लगता है मैं इस बात पर ऐड करना चाहूंगी कि आज के बच्चों के पास ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप में टैलेंट है तो आपको कहीं से भी देख लिया जाएगा और सुन लिया जाएगा और आजकल तो हम एक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल है लोग ये रील्स वालों को बहुत इंफ्लुसर्स को बहुत कास्ट करने लग गए <laughs> क्योंकि वो बोलते हैं कि इनके फॉलोअर्स बहुत हैं देखिए जैसे मैंने शुरू में बोला था ये बिजनेस है ठीक है तो मतलब उनको वही लोग चाहिए जो उनको बिजनेस दें कितने सारे लोग आजकल इन्फ्लुएंसर्स को कास्ट करते हैं पर अब ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी एक सीख है कि हम शायद एक्टिंग करते हैं तो हमको ऐसा लगता है इजी है बहुत बार क्या होता है बहुत सारे लोग कैमरे के आगे दस लोगों के सामने उसी समय लाइन मिली है वो कैरेक्टर समझना करना रील बहुत अच्छी बनाते हैं पर वो जो कैरेक्टर होता है वो नहीं कर पाते हैं एक बार काम मिल जाएगा पांच बार काम मिल जाएगा तीन बार काम मिल जाएगा लेकिन जिंदगी पर काम नहीं मिलेगा तो एक प्लान बी हमेशा तैयार रखिए और सबसे जरूरी बात मन की करिए और खुश रहिए जब खुश रहेंगे ना सब अच्छा ही होता है बिल्कुल और साथ में ये भी जरूर सोच लीजिए कि मन का हो तो अच्छा और मन का नाव तो और भी अच्छा क्योंकि वो तो उसके मन से हो रहा है हाँ यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी हैं सुनीता जी मैं आ रही हूँ आप लोगों तक अः एक और सवाल जी सवाल तो बहुत सारे हैं इफ टाइम अलाउज एक और बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे भारत देश का आंकड़ा ये कहता है कि सेवेंटी परसेंट वर्किंग वुमेन जो है वो बच्चा होने के बाद अपना काम छोड़ देती है कुछ तो शादी के बाद ही छोड़ देती है और बच्चा होने के बाद तो मैक्सिमम छोड़ देती है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है लाइफ में क्योंकि आज भी स्त्री पुरुष समानता में जैसे आपने कहा कि पुरुष हमारी बराबरी नहीं कर पाए वो नी बैलेंस कर सकते घर कि हम सोचे कि हम दोनों बाहर भी काम कर रहे हैं तो घर भी मिलकर संभाल लें वो होता नहीं है आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को कि कैसे एक महिला अपने करियर को भी परस्यू कर ले अपनी फैमिली को भी चला ले सारी चीज़ें मेनटेन कर देखिए मैं ना बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं गाँव से हूँ वहाँ जो औरतें हैं ना वो घास काटती है खेतों में काम करती है जंगल से लकड़ियां लाती है बच्चा पैदा करने के बाद भी वो ये काम जारी रखती है अगर एक अनपढ़ गवार खेत में काम करने वाली औरत, दुल्हन बनने के बाद बहू बनने के बाद बच्चा पैदा करने के बाद ये कर सकती है तो आप भी कर सकते क्या बात और इसके लिए इसीलिए मैंने बोला साझेदारी जब परिवार में सब एक दूसरे का साथ दे के चलेंगे ना साझेदारी करके चलेंगे तभी काम होगा एक हम लोगों का क्या प्रॉब्लम है ना हम अपने आप को बड़ा ही गलत ढंग से करते हैं लड़कियों को कैसे बड़ा किया जाता है अब बड़ी हो गई है काम करना सीख ले ससुराल में पता चलेगा ससुराल जेल है क्या हम बताओ नहीं ये हमने यहाँ पे करा है इसलिए हम ससुराल को जब तक वो ससुराल हमारा नहीं हो जाता है हमारे पंद्रह बीस साल नहीं हो जाते ससुराल में हम अपना घर नहीं मानते लोग बोलते हैं माँ बहुत अच्छी है और सास बुरी है माँ और सास तो एक ही औरत है ना कैसे एक बुरी और एक अच्छी हो गई तो ये सब हम करते हैं और ये औरतों को ही बदलना पड़ेगा सास को माँ समझो सा जैसे माँ बोलती डांटती है रोते हो लड़ते हो पैर तो सांस डांटती है तब भी लड़ो बोलो हम लोग आप अपने मन की बात नहीं करते मतलब आप बोल रहे थे अपने मन की अपने आप से बात करो हम दूसरे से ही बात नहीं कर पाते हैं हमको नहीं समझ में आता है कि हमको क्या चाहिए सास ने ये बोल दिया हम क्या करते हैं शिकायत कैसे सो यार तो ससुराल में हो ना छः बजे उठना पड़ता है अरे एक दिन थकी है बहू बोले ना सास को नहीं मम्मी मैं कल नहीं से उठ पाऊंगी सास को भी एक दिन चाय बनाने दो हमें नहीं रे सास चाय बनाएगी माँ को तो बड़ा ऑर्डर देते हो यार मम्मी चाय बना दो इसका मतलब हम उन्हें माँ नहीं समझते हैं हम उन्हें अपना परिवार ही नहीं समझते हैं मैं किसी के घर जब मेहमान बन के जाऊंगी ना तब उनसे नहीं बोल पाऊंगी शर्म में अगर मैं आज रात इनके घर रुकी तो कल सुबह इनको नहीं बोल पाऊंगी ए चाय बना देना <laughs> लेकिन अपने दीदी के घर जाऊंगी तो दीदी को बोलूंगी यार मेरे लिए भी एक चाय बना दे तो क्यों इसका मतलब मैं मेहमान समझ रही हूँ तो ये हमें अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी हमको कोशिश करनी है अपनी सास को माँ बनाने की देवरानी जेठानी को बहन बनाने की दोस्त बनाने की तो होगा अपने पति के साथ हमें ये शेयर करना होगा मैं भी थकती हूँ आज तुम चाय बना दो और मैंने देखा है आज का युवा जो पुरुष है करता वो बहुत करता है मेरा भाई खुद मेरी मेरी भाभी के पीरियड्स होते हैं मेरा भाई बोतल गर्म करके देता है उसको मेरा भाई बच्चे को दूध पिल, पिलाता है बोतल में मेरा भाई घर के काम भी करता है मेरा हस्बैंड भी सब काम करता है हमने ना बहुत ये अपने दिमाग में बना लिया जो सदियों से हुआ वो जिस कारण से होता होगा अब ये समय बदल गया है और अगर हम बदलाव चाहते हैं तो अंदर से घर से और अपने अंदर से शुरू करना पड़ेगा हमको हमें बड़ा बुरा लगता है किसी का आदमी अगर नौकरी नहीं करता है क्यों उसने ठेका ले रखा है क्या औरत काम कर रही है सही है चल रहा है ना जब एक औरत हाउस वाइफ बनती है हमें तब भी मुसीबत है कि यार ये तो घर चलाती है अब एक आदमी ने उसे मौका दिया ठीक है तू कर मेरा नहीं चल रहा है नहीं है उसकी <laughs> किस्मत में तो उसे चलाने दो ना हम उसको नीचे नजरों से देखते हैं हमें अफसोस होता है यार बेचारे का आदमी काम नहीं करता है <laughs> अरे यही वजह है कि हम अपने आप को बेचारा समझते हैं जब उस काम को भी रिस्पेक्ट देंगे ना तो उनको रिस्पेक्ट तो तो अब जब ऐसे होगा तो बच्चा पलेगा ना अच्छे से अभी तो एक फैमिली में आदमी औरत में अपने ही अलग ईगो रहते हैं ट्रू तो बच्चा पैदा कैसे हो और ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं वो अच्छे नागरिक कैसे बने आप प्रेम की निशानी तो हो ही नहीं आप तो खल्ली शादी हुई है तो बच्चा होगा वाले हो ना आप दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है आप लोगों में कोई कनेक्शन ही नहीं है लेकिन क्योंकि पति पत्नी हम तो रात में सोएंगे तो बच्चा होगा तो वो बच्चा कैसे अच्छा होगा कैसे आप उसको अच्छे से मैंने अब बहुत सारी लड़कियों को सुना है अरे यार वो तो चला जाता है काम में मैं मेरा ही बच्चा थोड़ी है अगर पति पत्नी में ये सवाल आने लगे तुम तो बच्चे को देखते नहीं अकेले मेरे बच्चा ही थोड़ी है तो मत करो बच्चा पैदा बच्चा तुम दोनों का है रिस्पांसिबिलिटी तुम दोनों की है तो मेरे ख्याल से ये जो चीजें धीरे धीरे चेंजेस आएंगे ना तो सब बढ़िया होगा तब औरतें जी भर के बाहर काम करेंगी पार्टी भी करेंगी आदमी एक दिन आदमी घर में देखेगा ना बच्चा एक दिन आदमी देखो हम ना आदमी को भी वैसा ही बना देते हैं दामाद आया है अरे बेटे से जैसा बिहेव करते हैं तो, है। हाँ। <laughs> है ना उनको पर मत बताना अरे बताओ ना बताओ घर <laughs> में प्रॉब्लम चल रही है तो उसे बोलो भाई प्रॉब्लम है तो हिस्सा है ना घर का हम दो घरों को एक ही नहीं करते हैं हम खुद ही ससुराल और वो जो टैग लगा दिया है ना अलग कर देते हैं कितनी सारी औरतों को बहुत प्रॉब्लम होती है यार क्योंकि बहुत सारे लोग खुलकर बात ही नहीं करते हैं तो जिस दिन हम खुल के बात करेंगे, मन की बात करेंगे बताओ ना एक दिन नहीं समझेगी सास, पुराने ज़माने की मेरे से जो यंग जनरेशन है और जो हमारे हमारी जनरेशन की सास माए वो थोड़ा भी समझती हैं लेकिन आपको पुरानी वाली तो वैसे भी काफी कम बची है तो, तो हमको ही है हमको करना तो चेंज करो और जो खाद पड़ा है वो तो वैसे भी उस बेचारे की खाली बर करती रहेगी करने जानी चाहिए अगला सास का मिलना चाहिए एक अच्छी वाली सास मेरा <laughs> ऐसा रोल एक सीरीज आने वाली है वो ऐसी मैंने पहले ही बता दिया <laughs> लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं आ, मैं अपने घर में जैसे हम बच्चों को बहुत खुल के पाला है तो जब मैं ससुराल गई ना तो मेरे पति के लिए तो मुर्गा बनाया और मेरे लिए क्या बना दिया लौकी की सब्जी मैंने पहली बार गई थी मैंने बोल दिया मैंने कहा ये क्या मतलब है अरे मैंने कहा मेरे लिए भी कम से कम पनीर बना देते क्योंकि मैं तेरियन हूँ उनको बुरा लगा होगा थोड़ा लेकिन उनको समझ में आया अब मैं अगर देखो मैं नहीं बोलती और मैं घर आके मायके में बोलती ससुराल ऐसी है यार मेरा उसके लिए चिकन बनाया था मेरे लिए तो पनीर पनीर मेरे लिए लौकी बना दी <laughs> ऐसी है मेरे तो ससुराल वाली ठीक नहीं है और फिर मेरा परसेप्शन वो जब भी मैं जाती ना मैं उन्हें उसी तरीके से देखती है तो ऐसे ही है तो जो मेरे से उनको वाइब्स मिलती वो मुझे गलत समझते और उनको मैं कभी नहीं समझ पाती एक बार में बोल के टंटाई खत्म बनाया अगली बार गई तो <laughs> लेकिन आप बिल्कुल सच बोल रही हैं बदलाव आ रहे हैं अभी बहुत सारों के बच्चे घर में पति ही संभाल रहे हैं हाँ, बहुत आ, नहीं क्योंकि बच्चे दोनों का है ना तो हम सर हाँ, हमको ये अफसोस नहीं करना चाहिए हाँ, या ये कोई बड़ी बात भी नहीं है संभाल रहे है तो सही बात है हम सब यहाँ बैठे है मतलब हमारे बच्चे घर में पति संभाल रहे कोई दिक्कत वाली बात खाना वाना बनाओ आने का मुझे भी मेरा हस्बैंड भी सब बनाता है ऐसा बोल तो देना ही देखो कि तुम अच्छा बनाते हो <laughs> नहीं नहीं बिल्कुल आप फायदे में रहोगी ऐसा बोलने से तो मैं मैंने और मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये ऐसे फैं... मतलब पति पत्नी की बात चल रही है जैसे मैं बहुत छोटे शहर से हूँ मैंने कभी मेरे पापा को या मेरी मम्मी को एक दूसरे को थैंक यू बोलते हुए नहीं सुना तो मुझे ऐसा लगता है ना और ये कुछ चीजें मैंने लाइफ में किताबों में पढ़ पढ़ के सीखा है कि आप जब थैंक यू बोलते हो ना हमें क्या लगता है थैंक यू सिर्फ रिश्ते बाहर वालों को बोलना चाहिए किसी दिन अपने हस्बैंड को अगर वो आप बहुत बार मेरे हस्बैंड ना मेरे लिए ऐसी चीज लाता है जो मुझे पसंद नहीं है बट आई टेल हिम अरे वाह थैंक यू सो मच एंड आई मेक इट अ पॉइंट आई यूज़ दैट थिंग बिकॉज वो अपनी मर्जी से एक अलग फीलिंग के साथ लाए आप उसकी ऐसी तैसी कर देते हो अरे यार ये रंग आए तो कैसे होगा मतलब उसको प्रोत्साहन तो दो अगर वो आपके लिए किसी दिन कुछ ले आया तो उसको थैंक यू बोल थैंक यू बोलना कोई बड़ी गलत बात नहीं है आप हिंदी में बोल दीजिए बहुत सारे लोग बोलेंगे अंग्रेजीत में जा रही है आप धन्यवाद बोलो या ये बोल दो तो मुझे बहुत अच्छा लगा अरे मुझे यही चाहिए था ये चीज़ हम अपने दोस्तों के साथ या बहन भाइयों के साथ भी करना चाहिए हमें अब आजकल के बच्चे बोलते हैं कि आई लव वॉट माई मदर कुक हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था मैं को पता ही नहीं है हमें उसकी कौन सी दाल कौन सी सब्जी अच्छी लगती थी कुछ नहीं पता उन बेचारों को वो बनाती थी हम खा देते दे थे अच्छा नहीं लग रहा गंदा नहीं लग रहा हम वो बनाती रहे हम खाते रहे तो किसी को पता ही नहीं है एक दूसरे के बारे में थैंक यू बोलना आई लव यू बोलना मुझे ये अच्छा लगा और जो नहीं अच्छा लग रहा है वो भी प्यार से बोलना बहुत जरूरी <laughs> जैसे मैं क्या करती हूँ कि जैसे आ, अगर मेरे हस्बैंड कुछ लेकर आए तो मैं बिल्कुल थैंक यू बोलती हूँ बोलती हूँ वाओ अगली बार मैं भी चलूंगी <laughs> नहीं मैं एक उदाहरण देती हूँ जो वर्किंग वुमेन है शायद उनके संग ऐसा होता होगा कि क्या होता है ना कभी अगर हस्बैंड चाय बनाता है मोस्टली चाय पत्ती तो गिराते ही है बहुत बाहर चीनी गिरी होती है हाँ अगर टप्पा है तो ढका नहीं है बट ये नहीं लगाया वो नहीं लगाया हम आकर किचन में पता ही क्या कहते हैं अरे यार तुम तो रहने ही दिया करो चाय मत बनाया करो अब मैं इतना संभालू इससे तो मैं चाय बना देती इसकी बजाय अगर हम ऐसा बोल दें ना चाय बहुत बढ़िया बनाई तुमने अच्छा सुन ना ये तो पहले ही रख दिया करना फिर ये गिरेगा नहीं मैं भी करती हूँ ना कभी कभी गिर जाता है तू तो इससे क्या होगा तुम उसे बता रहे हो उससे क्या गलती हो रही है तो वो समझता है नहीं तो हम लोग टीचर बन जाते हैं ये कारण है कि बहुत सारे लोग ना फिर बहुत सारा समय दोस्तों में और बाहर बिताने लगते हैं उनको देखो जो औरतें हम सब बाहर काम करती हैं हमें मालूम है बाहर काम करना आसान नहीं है जो रस्ते का ट्रैवल है जो ऑफिस की चिक चिक बाजी है सीनियर का सुनना कलीग से तू तू मैं में हर कोई किसी ना किसी का चूनियर होता है आपका हस्बैंड घर में भले ही बॉस है बाहर वो भी किसी की गाली किसी की डांट किसी के सामने इंसल्ट फील करता है उसके बाद आके उसे अगर घर में भी कोई आप अच्छे हो आपकी मुझे ज़रूरत है थैंक यू फॉर दिस कहने वाला नहीं मिला तो घर और ऑफिस में तो कोई अंतर ही नहीं रहेगा ना तो वो ज़्यादा बाहर भागने लगते हैं मतलब मैं पुरुषों की बहुत तारीफ नहीं कर रही हूँ बट मैं मेरे बहुत सारे पुरुष दोस्त हैं और मेरा हस्बैंड मेरे दोस्त जैसा है हमारा ऐसा है कि जैसे दो दोस्त रहते होंगे तो मैं जो मेरी दोस्तों की फैमिली में तक प्रॉब्लम्स होती है ना तो वो मैं देख पाती हूँ एज अ थर्ड पर्सन इसके लिए मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि अगर साथ रहना है तो खुश खुश रहे दोनों खुश रहे तभी जीवन की गाड़ी जो है ना बढ़िया तरीके से चल क्या बात है <laughs> बड़ी देर से इंतजार कर करे हमारे ऑडियंस ऑडियं बिल्कुल बिल्कुल सवाल करने को मैं चाहती हूँ वन बाय वन माइक पहुंचाए जाए इनके पास जिनके यहाँ मैंने अगर कोई ऐसी बात बोल दी हो किसी को पसंद आई तो आई एम सॉरी नमस्ते सरिता जी नमस्ते पहले तो ये बताइए पंचायत थ्री में सरपंच बनी कि नहीं बनी अभी नहीं बनी पहली बात तो और दूसरा यह है कि मैं बहुत सारी बात बता नहीं सकती हूँ क्योंकि फिर वो लोग हमारे संग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हमको बताना नहीं होता है जिससे वो एक जो है ना एक्साइटमेंट रहे ऑडियंस के बीच में कि अब की बार क्या होगा जानने के लिए बने हूँ <laughs> और मैं रहूंगी लंबा <laughs> देखना चाहेंगे आपका एक छोटा सा सवाल है कि वैसे तो आपने कभी बहुत सारे हास्य भूमिकाएं करी हैं आपकी लेटेस्ट सीरीज देखी थी मैंने रेलवे मैन हाँ जिसमें आपने भोपाल जो गैस त्रास्त दी हुई थी उसमें एक माँ का रोल प्ले करा था क्या आप मिली उनसे क्या आपने देखा उनका दर्द क्लोजली वो जो रियल में लेडी थी उनका नहीं मैं उन, मिल नहीं पाई नहीं। नहीं। उनसे बल्कि हाँ, तो मिली थी एक्चुअली उसमें मेरी कास्टिंग इतफाक से हुई थी जो मैं नसीब की बात कर रही थी उन्होंने किसी भोपाल की लेडी को कास्ट किया था लेकिन उन्हें कोविड हो गया था तो लास्ट मोमेंट में उन्होंने मुझे बुला लिया तो मैं उनसे नहीं मिली थी लेकिन आ, मेरी एक जूनियर है एन की भूमिका वो भोपाल की ही रहने वाली है तो उन वो उसने मुझे सब कुछ बताया था वो बोल रही थी उसको आज भी पैरों में प्रॉब्लम है आज वो लड़की मेरे ख्याल से होगी तो होगी छब्बीस तो सत्ताईस साल की तो इस तरह से मैं कुछ लोगों से मिली हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारे संवेदना है ना दुख के रूप अलग हो सकते हैं पर तकलीफ दुख हम सब ने देखा है तो उसका सिर्फ एक ढांचा बदल जाता है संवेदना और फीलिंग वही रहती है तो शायद इस वजह से हम आर्टिस्ट लोग जो प्रोजेक्ट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं एक्ट करते हैं वो इसलिए निकल जाता है क्योंकि वो तो भावना तो सब एक जैसी रहती है Uh, मैम कोई uh, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप याद किस्सा जो आपको पूरी uh, जिंदगी याद रहे ऐसा कुछ तो रोज़ होता ना होता हो ना है ये ना मैं सोचती हूँ दूसरे सवालों के बीच में क्योंकि ये मुझे सोचना पड़ेगा तो ये समय बर्बाद न कर दे अचानक से पूछा ना तो थोड़ा पहले पूछ लेती मुझे लगता है सुनीता जी के साथ हर मोमेंट मजेदार है चलिए आप दे दीजिए जब तक वो सोच रही है दूसरे सवालों के बीच में नमस्कार याद ही नहीं आ रहा है वो होता है ना जब सॉरी हाँ कोई बात नहीं बोलिए नहीं नहीं मैं ये बोल रहा हूँ <laughs> नहीं मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा जब जो थोड़ा कम बुद्धि वाला स्टूडेंट होता है सारा पेपर याद करके आ जाता है जैसे पेपर आता है आता है और लिखने बैठता है तो भूल जाता है ये मेरा वही हाल हो गया मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा है मेरे संग कौन सा मजेदार किस्सा हुआ है अगली बार नोट्स में लिख जाएंगे नैनीताल की हमारी भी यादें। अरे वाह। के प्रोग्राम्स की जी 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 नहीं? जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एनएसडी में आपकी बैचमेट्स कौन से थे और क्या अभी आपके संपर्क में अरे और आपको छोटे शहर या लड़की होने के नाते कोई डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा या नहीं या कैसी डील की किया देखिए जो तकलीफ मैंने बोला था कि मुझे जो एंट्रेंस के समय हुई वो सिर्फ ये हुई कि मैं पहली बार जब एन गई थी तो उनका जो स्ट्रक्चर था वो मैं समझ नहीं पाई थी इसीलिए मेरा पहली बार में नहीं हुआ था सेकंड अटेम्प्ट में हुआ और एन एस मैं 97 बैच की हूँ राजपाल यादव चेतन शर्मा राजीव कुमार मेघना मलिक आ, ये लोग मेरे बैचमेट हैं इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्शन डिपार्टमेंट में हैं अभी हमारे साथ में डायरेक्शन डिपार्टमेंट के दौलत वैद्य हैं जिन्हें साहित्य अकेदमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और कुछ लोग हैं एक लड़की है जो आसाम में जो है थिएटर चलाती है एक जया सील है जो कैलकटा में बहुत फेमस हैं भरतनाट्यम डांसर हैं और वहाँ पे वो फिल्म्स करती हैं तो ऐसे कुछ कुछ लोग हैं जो अलग 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 जगह पे काम करते हैं और 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 कौन सी बात पूछी थी आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं एक्चुअली मैं सच बात बताऊं मैं बड़ी भाग्यशाली हूं कि मैं जिस घर में पैदा हुई तो माता पिता ने भी कभी वो रखा नहीं डिस्क्रिमिनेशन तो मुझे नहीं समझ में आती है वो बात और एन में भी वो नहीं मुझे नहीं लगा क्योंकि कभी कभी ना हमारा नज़रिया होता है वो हमारे दिमाग में होता है तो हमें ऐसा लगता है अच्छा इससे पूछा हमसे ये वाली बात नहीं करी वो मेरे दिमाग में आता नहीं है तो शायद नहीं हुआ मेरे ख्याल से होता तो <laughs> नहीं आरोप मुझे नहीं लगता है वो, हुआ। में एक तो सब मिलकर ही करते। और लड़के का लो लड़का ही करेगा लड़की का रोल लड़की ही करेगी और वहाँ पे डिजाइनर है या कॉस्ट्यूम वाला है या मेकअप है वो भी सब मिलकर करते हैं आज हमारे देश में भी बहुत सारे मेल फीमेल कॉस्ट्यूम डिजाइनर में भी है मेकअप वाले भी हैं तो मुझे तो नहीं लगा रही काफी देर से खड़े हुए हैं हेलो मैम कैसे हैं आप मैं अच्छी हूँ आपके आप से आपसे सबसे पहले तो एक चीज ये बोलूँगी कि जो आपका नेचर है वो सीरियसली वो गॉड गिफ्टेड है. है और आप जो बोल रहे हैं कि मैं बहुत अपने घर में सबसे नाकार या ऐसी चीज थी वो बहुत सबसे पहली बात तो गलत है <laughs> अरे ना ना तो पता नहीं नहीं पता है बड़ी बदतमीज थी मैं ये हमारी विमेंस को मैं आपसे नहीं मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि विमेंस जब तक खुल के बात नहीं करेगी जब तक वो खुद खुश नहीं रहेगी और आप खुद पर्सनल अपने आप को खुश करने वाली लेडी है बिल्कुल तो ये हम सब में होना चाहिए क्योंकि आप एक जो बोलते हैं ना कि सारे एक्टर्स बड़े हैं अमिताभ बच्चन से एक झिझक होती है या कुछ होती है तो मैं कहूंगी कि हर लेडी उसकी शुरुआत जो होती है ना एक सबसे अच्छी वो खुद से अपने खुद के कैरेक्टर से होती है बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आप पर्सनल आप अपने निजी जिंदगी को जीते हुए आप एक्टिंग कर रही हैं और आपकी जो गुल्लक की जो सफलता है ना वो पूरी की पूरी एक निजी जिंदगी पे बनी हुई है। बिल्कुल और उसमें जो आपने बिट्टू की मम्मी का जो किरदार निभाया वो हर एक लेडी अपने घर की पड़ोसन से वो एक्सपेक्ट यही करती है प्पा तो उसके घर की लेडी के पास में सब चीज पता होती है बिल्कुल तो आप जैसे मैं आपको एक गुड विशेष देना चाहूंगी थैंक यू सो मच वो एक इरफान खान है जी वो हमारी एक्टिंग के लिए और नमाज़ की की है तो आप जो बोल रहे हैं ना कि मुझे इतने अभी जान लोग पहचानने लग गए वो आपको इसलिए पहचान रहे हैं क्योंकि आप बिल्कुल रियल एक्टिंग करती है जो आपके साथ में घटित शायद हो रहा है और ये बचपन से शायद जो चीजें हम जो देखते हैं हमारे मम्मी पापा के साथ में आज में पड़ोस में रिश्तेदारों में क्योंकि ये बिल्कुल सही कहा है कि एक एक्टिंग एक सीखना एंड देन उसके बाद में हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों छोड़ देते हैं हमें हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको साथ में रहते हुए हमें हमारा काम करना चाहिए और ये मैं उस चीज के लिए आपसे हंड्रेड एंड टेन परसेंट सहमत हूँ कि हम लड़कियों की सोच खुद हम गलत करते हैं हम हमारे परिवार के प्रति क्योंकि ये उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमें हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेगा या हमारी सास सपोर्ट पता भी नहीं होता है कि हम कुछ सोच भी रहे बस यही चीज है हम जब तक बताएंगे नहीं जब तक पता कैसे चलेगा और जैसे अपने पापा से जिद करते हैं ना अगर हमको कुछ चाहिए या हमें कोई कोर्स करना है हम बोलते हैं और पापा बोलते हैं नहीं बेटा ये नहीं करोगे तो हम जिद करते हैं भाई पति से भी करो ना मैं आपको इस चीज के लिए बोलना चाहूंगी की आने वाली इंडस्ट्री आपको सिर्फ रियल एक्टिंग के लिए आपको जानेगी थैंक यू सो मच क्योंकि आप वो एक्टिंग करते हैं की वो अभी तक शायद कोई नहीं कर रहा है आपकी एज के अकॉर्डिंग जो हैं और आपको ऐसा लग रहा है की वो शायद लोगो को पसंद नहीं वो लोगो को बहुत पसंद आ रही है आपकी एक्टिंग

दो तो मिल गए आप एक मांग रहे थे धन्यवाद ये आपकी नवाजी और हमारा है ही ऐसा और <laughs> मेरी एक ये आपने भी कहा और आपने भी कहा अंडरस्टेटमेंट वाज कि एम्पावर्ड वुमेन आवाज होना औरत बहुत ये बहुत 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 जरूरी है बिल्कुल ये आप दोनों ने एक वो अंडरलाइनिंग बात की और उससे मेरे ख्याल से हम सभी सहमत भी बिल्कुल मेरे आपसे आप एक आ, आपके प्रोफेशन को लेके सवाल है।, है आप जैसे अभी बात कर रही थी तो लग ही नहीं रहा था कि आप जो कैरेक्टर करती हैं वो कैरेक्टर तो <laughs> 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 ऐसा है मुझे लगता है वो कैरेक्टर का रोल आपको देख के लिखा हो ऐसा इस तरह से प्रतीत हो रहा है <laughs> लेकिन देर आर अनदर चैलेंजेस एज पर योर प्रोफेशन डोंट यू फील की दैट यू नीड टू यू नो आई थिंक चेंज ओवर योर रोल एंड मच मोर चैलेंजिंग मुझे आ, बात बताओ, होटी, होटी घर की ई एम आई दू शॉपिंग ये ये सब करने में लग जाऊं नहीं आप तो बिल्कुल आप जो है ना, ना मतलब <laughs> चेंजेस देखिए मैं बताऊं चेंजेस आएंगे मेरे को लगता है हर चीज का ना एक समय भी होता है जब तक तकलीफ नहीं होगी तो चेंज की बात ही नहीं आ पाएगी वो तकलीफें होना बहुत जरूरी है एक और मैं जानना चाहती थी कि आजकल जैसे आप एक्टिंग करती हैं तो आज आप थिएटर वाली है आप राइटर्स के साथ आपने बहुत इंटरेक्शन और कभी कभी हो सकता है आपने डायलॉग्स लिखे भी नहीं, जी जी मैंने लिखे हैं वो तो आपको देख के समझ में आ रहा है आप क्योंकि बहुत जीवट और पहाड़ी हैं तो पहाड़ी लोग बिल्कुल स्ट्रॉग होते हैं तो अब क्या पहले के राइटर्स और अब के राइटर्स में कुछ चेंजेस आए बहुत चेंजेस है That's, that's, बहुत चेंजेस हैं अभी राइटर्स रियल लिखते और आ, मेरे को इस बात की बहुत खुशी होती है जो मेरी उम्मीदें और बढ़ाती हैं जो यंगस्टर्स हैं इवन यहाँ पे भी जो सारे यंगस्टर्स बैठे हैं ना दे ऑल आर वेरी प्रॉमिसिंग जो चेंजेस आ रहे हैं वो ये लोग बहुत बढ़िया ला रहे हैं और अनकॉन्शियसली ला रहे हैं आज आप देखिए सोशल मीडिया पर ये बात भी सही है कि कुछ लोग बहुत फालतू चीज़ों में भी घुस जाते हैं हमने मैंने अपने पहाड़ के लिए ऐसा नहीं कुछ किया है आज देखिए यंगस्टर्स हैं जो पहाड़ी गाने डालते हैं डांस डालते हैं वहाँ की संस्कृति को और लोगों में जो पहुँचा रहे हैं वो यंगस्टर्स ही हैं वहाँ का खान पान वहाँ की वेशभूषा वहाँ के जो ये त्यौहार हैं क्या रीति रिवाज हैं और ये पहाड़ों का ही नहीं है असम की लड़कियाँ देखो आपकी उड़ीसा की लड़कियाँ कहीं कहीं भी लड़कियाँ रोहतक की लड़कियाँ देखो किसी भी शहर की लड़की किसी भी प्रांत की लड़की आप देखिए या लड़के देखिए तो चेंजेस वो लोग ला रहे हैं ये युवा जो है ना ये बहुत बहुत प्रॉमिसिंग है और मुझे खुशी होती है कि दे आर समवे वेरी फोकस्ड ऑल्सो दे नो हाउ टू तो बैलेंस जो हमारी वाली पीढ़ी में शायद नहीं था हम लोग ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे तो ये है तो हाँ, बाकी तो तो जीवन है ये तो उतार चढ़ाव तो मतलब चलता रहेगा हमारे बॉम्बे में, में तो सड़कें एक साल बनती है दूसरे साल खोद फिर बनती है, फिर दूसरा रास्ता खोद के फिर गैस पाइप डालते फिर रास्ता दोबारा खोद के फिर वो इलेक्ट्रिक पाइप डाल तो मतलब ये तो ओ, चलता, चलता रहेगा गुड इवनिंग मैम वेलकम टू सिटी इंडोर थैंक यू मैम मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आई आयमा मिसेस मैं डॉक्टर विनीता कुमार बी एच एम एस डॉक्टर डांस कोरियोग्राफर डांस oh, कंपटीशन में भी जा चुकी हूँ अरे वाह शादी के पहले क्या बात है बारह डॉक्टर थे मेरे घर में तो मेरे घर वालों ने मुझे वहां तक नहीं जाने दिया लेकिन मुझे एक्टर एक्ट्रेस ही बनना था आपके जैसे और वो सपना आज भी दिमाग से नहीं निकल रहा है कोई बात आप, आप क्या कर रहे <laughs> सपने को मत तोड़िए अगर इतना गहरा सपना है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा मैं <laughs> मैं समझ रहे हैं आप देखिए आपके बताऊं जैसे क्या होता है ना आप जो नाटक का सपना देख रही हैं आप वो डॉक्टर को नहीं समझ पा रही है उसी तरह वो डॉक्टर आपके सपने को नहीं समझेंगे <laughs> हमको ये भी समझना पड़ेगा हम कभी कभी क्या होता है ना इंस्टाग्राम पे भी मैं देखती हूँ लोग बहस करने लगते है सबकी अपनी-अपनी अपनी, अपनी थिंकिंग है है और हर की रीजनिंग सही होती है। वो अपनी जगह सही है क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा है ना आप अपनी जगह सही हो सपना देख रहे हो देखते रहो अपने बच्चों के साथ कहानी मंचन करो अपने रिश्तेदारों के साथ जो आपकी सोसाइटी में लोग हैं उनके साथ नाटक करो पंद्रह अगस्त होता है खड़ा करो ना एक नाटक कैसे सपना पूरा नहीं होगा क्या बात बहुत कोशिश करती हूँ क्यों सोसाइटी वाले भी डॉक्टर है सर नहीं <laughs> मैम पूरी फैमिली डॉक्टर है हाँ तो कोई बात नहीं अरे डॉक्टर है तो होंगे ना डिस्पेंसरी में है, करते हैं डॉक्टर्स आजकल गाने भी आ रहे हैं बात सुनिए ये एक तो ये बात शिकायत की ब... साथ कहने की बजाय रिक्वेस्ट के साथ और अपनी अपने थॉट के साथ बताइए और मुझे लगता है आप जिस समय खाली हैं अगर कोरियोग्राफ कीजिए ना पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी के लिए क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ हमारी सोसाइटी में जो है वहाँ पे यंगस्टर्स लोग ये करते हैं दे प्रिपेयर द प्रोग्राम फॉर छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त या फिर नवरात्रि होता है डांडिया होता है गणपति होता है आप जब धीरे धीरे करने लगोगे ना मैं आपको लिख के देती हूँ आप मेरे को डीएम करना है इंस्टाग्राम में आप इस बार रेडी कीजिए अगर आपकी तारीफ करेगा सोसाइटी में सब लोग कैसे नहीं आपके घर वाले बोलेंगे अरे वा बढ़िया कर दिया तूने तो तो ने, तो ने तो सोचा ही नहीं था तू तो ऐसा कर पाई मैम आपने जो पति पत्नी वाली बात बोली है ना तो भले मायके वालों ने कुछ नहीं किया बट मेरे हस्बैंड ने जो भी आज यहां पे भी खड़ी हूं, उन्हीं की बदौलत तो बस फिर आज बोल दो पारान में। पारान में। पारान में। इस बार पंद्रह अगस्त में मैं कुछ करना चाहती हूँ और अपनी सोसाइटी में औरतों को कॉन्फिडेंस में लीजिए दो चार बच्चे एक अपने बच्चे लेकर उनके साथ कीजिए एक एक दो दो घंटा भी शाम को रोज जिस समय वॉक करते हैं शाम को मिलिए बात कीजिए हो सकता है आपको पता चलेगा आपकी सोसाइटी में आप जैसी और एक दो हैं औरतें मिलके करिए ना तैयार कीजिए सपना तो पूरा होगा ना आपकी वो मन की बात के मैं एक्टिंग करूं मैं डांस कोरियोग्राफ करूँ बिल्कुल पूरा होगा वो अधूरा रहेगा ही नहीं परफेक्ट थैंक यू सो मच एवरी